सुनिया जी की बात सही है। जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे, कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली, राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। ये बात सही है कि आप जुगाड़ करके सत्ता पर बैठे हो, लेकिन सत्ता में बैठने से पहले आपको जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए था। लेकिन मोदी जी दूसरे को बोलते हैं आत्मचिंतन करो, जिसको आत्मा होता है वो आत्मचिंतन करते हैं, ये लोगों को आत्मा नहीं है। जिस क्रूरता से राज चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो कभी चिंतन नहीं करेंगे। देश को जरूरत है एक ऐसे नेता की जो सबको साथ लेकर चले। देश की हालत बहुत खराब है, इसलिए सोनिया जी ने जो कहा है कि मोदी जी आत्मचिंतन करो वो सही है। सर, आप लोग हेमंत सोरेन जी को लेकर पहले से कहते आए कि ये सारा मामला जो है एजेंसी द्वारा पॉलिटिकल है, हाईकोर्ट भी लगभग पॉलिटिकल है। मोदी और शाह जी के जमाने में हमारी जुडिशियरी भी पॉलिटिकल हो गई ना, हमारी जुडिशियरी पॉलिटिकल हो गई, पॉलिटिकल दबाव में हमारी जुडिशियरी काम करती है। सेंट्रल एजेंसी की बात छोड़ दीजिए, वो तो उनके गुलाम है, एजेंट है, बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। लेकिन अब नहीं, उनको आसान नहीं होगा। जिस तरह से लोकसभा में जो जनादेश आया है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो अब इतना आसान नहीं है मनमानी करना। सरकार बदलने के बाद विपक्ष के नेता पद पर राहुल गांधी आने के बाद ही, या विपक्ष की ताकत जो आपने देखी है वो देखने के बाद ही हेमंत सोरेन जी को बेल मिला है। केजरीवाल को मिलेगा, अब देखिए।